सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज किस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप काइनमास्टर के अंदर सही की इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि फोटो सही की वीडियो आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप 9:16 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको ना पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप अपनी फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपकी पिक्चर रखा हुआ है। सो मैं अपना फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से एक एक करके अपना सारा पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। सो फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो नीचे कुछ इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा। सो आप देख सकते हो तो इस तरीके से फोटो के ऊपर क्लिक करके आप एक एक करके अपना सारा पिक्चर जो है नीचे इम्पोर्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे। सो आप देख सकते हो मैंने अपना फोटो ऐड कर लिया और आप इससे ज़्यादा भी फोटो ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फिलहाल आपको सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने उतना ज़्यादा फोटो ऐड नहीं किया। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी कम पिक्चर ऐड किया। उसके बाद इसको ना पे क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको अपनी फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको पेन एंड जूम का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से आप जो पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेंगे। उसके बाद आपको बीच में दो लाइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको ना पे कर देंगे डन। सेम आपको आ जाना अपने नेक्स्ट पिक्चर पर, इसको भी आपको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो मैं जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आप बीच में जो दो लाइन दिखाई दे रही है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर में कर देंगे डन। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पिक्चर पर, इसको भी आप पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से जूम करेंगे। सो बेसिकली इस तरीके से आपको अपने सारे पिक्चर को जो है पूरी स्क्रीन पर सबसे पहले जो फिल कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी फ़ोटो को मैंने जो है पूरी स्क्रीन पर फिल कर लिया। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर बीच में एक आइकन मिलता है प्लस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा। सो यहाँ पर ये रहा सही किट नाम का, तो आप इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऐसे स्टोर का आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे काइनमास्टर के ऐसे स्टोर पर। उसके बाद आप यहाँ पर 3D के नीचे एक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सेकिट इफेक्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आप इसका प्रीव्यू वगैरह भी देख सकते हो। तो सेकिट इफेक्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहां से 01 को अप्लाई करेंगे, सर्किट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से चार जो है इफेक्ट मिलेगा। सो यहां से सबसे पहले 01 को अप्लाई करेंगे, ऊपर में कर देंगे डन। नेक्स्ट जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, अगेन आप आ जाएंगे सर्किट पर। अभी 02 को अप्लाई करेंगे, अगेन आपको आ जाना नेक्स्ट प्लस पर, अगेन आपको आ जाना सर्किट पर। सो सर्किट पर आने के बाद अभी 03 को अप्लाई करना है आपको। उसके बाद आपको जो फोर्थ प्लस आइकन मिलता है इस पर आपको आ जाना है और अभी आप 04 को अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से जो आप इनको अपनी फ़ोटो पर अप्लाई करेंगे। सो अगेन आपको जो है दोबारा 01 से अप्लाई करना है, 01 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पर आप 02 को अप्लाई करेंगे। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करें, सबसे पहले आप अपनी वीडियो पर इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे सही की इफेक्ट। सो जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। सो ये मैंने अप्लाई कर लिया, उसके बाद इसको कर देना है डन, ठीक है। सो डन करने के बाद आप देख सकते हो सभी फोटो पर इफेक्ट आ चुका है। अभी आप फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका टाइमलाइन आप छोटा कर लेंगे। सो आप इतना छोटा कर लेना, नेक्स्ट पिक्चर पर क्लिक करना है, इसका टाइमलाइन छोटा करना है। तो इसी तरीके से आप सभी फोटो का जो टाइमलाइन है उसको आप छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। सो जितना छोटा आप कर सकते हो उतना आप छोटा कर लीजिएगा, सो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अभी आप यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना म्यूज़िक ऐड करेंगे। सो जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी म्यूज़िक रखा है उस फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं अपना म्यूज़िक ऐड कर लेता हूँ। सो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका म्यूज़िक नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको ना पे क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, म्यूज़िक का एक्स्ट्रा पार्ट आप यहाँ से कट कर सकते हो। सो उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो प्ले करेंगे।
सो जैसे कि आपने देखा कि कितना इजीली हमने जो सही की इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कर लिया काइनमास्टर के अंदर, और आपके वीडियो पर एक ग्लिच इफेक्ट भी आ चुका है। सो ये आप देख सकते हो, आपको एक ग्लिच इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा अपनी फोटो के बीच में, सो जहाँ पर भी आपने इफेक्ट ऐड किया। तो बेसिकली इस तरीके से आप जो है काफ़ी इजी वे में सही की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो काइनमास्टर के अंदर। अभी आपको अपना जो वीडियो उसको सेव करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप FHD 1080p रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम पर सेकेंड आप 30 सिलेक्ट कर लेंगे, सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।